कोविड की तीसरी लहर को लेकर जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। लक्षण युक्त बच्चों को वितरित की गई निःशुल्क कोविड किट। कोरोना महामारी ने पूरे देश भर में हाहाकार मचा रहा था। कोविड की दूसरी लहर का प्रकोप अभी थमा नहीं कि तीसरी लहर के आने की संभावना ने जिला प्रशासन से लेकर सत्ताधारियों की चिंता को एक बार फिर बढ़ा दिया। सूत्रों की माने तो तीसरी लहर का प्रकोप दूसरी लहर से भी ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन की चिंता बढ़ रही है। जिला प्रशासन हर संभव कोशिश कर रहा है कि तीसरी लहर का प्रकोप जिले में असरदार ना हो। दरअसल छर्रा थाना क्षेत्र के बरौली गांव में कोरोना की तीसरी लहर की रोकथाम के लिए लक्षण युक्त बच्चों को निशुल्क कोरोना किट का वितरण किया गया। यह कोरोना किट का वितरण भाजपा छर्रा विधायक रविंद्र पाल सिंह एवं छर्रा सीएसी प्रभारी पंकज मिश्रा द्वारा किया गया। भाजपा विधायक ने स्वयं अपने हाथों से बच्चों को कोरोना दवा पिलाई एवं कोरोना किट का वितरण किया और उनके परिजनों को वायरस से बचाव संबंधित उपाय भी बताए, जिनके लिए एक पैम्पलेट भी परिजनों को दिया गया। भाजपा छर्रा विधायक रविंद्र पाल सिंह ने बताया कि तीसरी लहर की रोकथाम के लिए लक्षण युक्त 1 से 12 साल तक के बच्चों को निशुल्क दवा किट वितरण की गई है। यह बच्चों को दवा दी गई है। कोई भी बच्चा इस दवा से वंचित नहीं रहे। दवा के साथ साथ एक पैम्पलेट परिजनों को दिया गया है, जिसमें दवा संबंधित एवं कोविड संबंधित उपाय लिखे हुए हैं, जिससे बच्चों के परिजन सुरक्षा बरत सके। जिले के बरौली गांव में यह पहली शुरुआत है। हर आंगनबाड़ी आशा कर्मी गांव-गांव जाकर हर बच्चों को कोविड किट पहुंचाएंगे और हर गांव को अपडेट लेंगे। कोरोना किट से कोई भी बच्चा वंचित नहीं रहेगा। ये आंगनवाड़ी आशा कर्मी की जिम्मेदारी होगी। हमें हर हाल में अपने जिले में तीसरी लहर को रोकना है। ये कोविड-19 तीसरी लहर को रोकने के लिए बच्चों के लिए हमने जो 12 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए खुद मतलब अपने हाथ से यहाँ पर आकर के ये दवा बंटवाई है अभी। और आशा और ये आंगनबाड़ी हमारी वो गाँव गाँव घर घर पर जाकर बांटेगी। आज शुरुआत जो की है अलीगढ़ में, अलीगढ़ जिले की सबसे पहले छर्रा विधानसभा में आज बरौली गाँव से की है। छर्रा से सभी हमारे डॉक्टरों खड़े हुए, पूरी टीम खड़ी हुई है यहाँ पर। आज माननीय विधायक जी के द्वारा जो लक्षण युक्त बच्चे थे उनको किट का वितरण किया गया। माननीय विधायक जी ने अपने हाथों से स्वयं पहली दवाई पिलाई बच्चों को और उसी के साथ इसका शुभारंभ हुआ। पूरे छर्रा विधानसभा में बरौली गाँव से इसकी शुरुआत हुई है और अब जितने भी लक्षण युक्त बच्चे मिलेंगे इस क्षेत्र में आशाओं द्वारा उनको किट पहुंचाई जाएगी, जैसे हमने 18 साल के ऊपर वालों के लिए किया था। इसमें किट जो है चार भागों में विभाजित की गई हैं, 0 से 1 वर्ष तक और फिर 2 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक, फिर 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक, फिर 13 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए किटों का वितरण जो है वो यहाँ से संचालित होगा। ये पूरे जिले में पूरे राज्य में चल रहा है। ये आज हमारे यहाँ पे हमने शुरुआत माननीय विधायक जी के हाथों द्वारा हुई है और ये आगे फिर कंटिन्यू रहेगा।